ऐसे पता शायद आपको भी ना हो, लेकिन सच तो यही है कि सनी देओल की पत्नी पूजा ने वाकई में काफ़ी कुछ सहा है। शायद आप ना जानते हो, लेकिन सनी देओल की पत्नी पूजा देओल की बात करें तो पूजा देओल जब लंदन में कर रही थी बिजनेस और सनी जब वहाँ पर स्टडीज कर रहे थे, स्टडीज़ के दौरान इन दोनों की मुलाकात प्यार में मोहब्बत में बदली और फिर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी लंदन में ही गुपचुप कर ली थी। शादी के बाद 80 के दशक में सनी देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा अमृता सिंह के साथ फिल्म बेताब के जरिए। लेकिन आपको ये शायद मालूम ना हो कि सनी देओल ने यहाँ पर कदम तो रखा, लेकिन सच तो ये है कि सनी का नाम अमृता से लेकर जुड़ा जब बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया के साथ भी, तब सनी देओल का इन सब के साथ नाम जुड़ने पर उनकी पत्नी को काफ़ी कुछ सहना पड़ा। दरअसल वो लंदन में रह रही थी और सनी देओल इंडिया में शुरू से, तो इसी कारण से दोनों अलग अलग रह रहे थे और अलग रहने का दर्द पूजा देओल को ऐसा मिला कि वो लाइमलाइट से तो दूर रही, सनी आ गए हैं इन एक्ट्रेसेस के करीब जिनके साथ सनी देओल काफ़ी ज़्यादा अपना रिश्ता आगे बढ़ाते चले गए। यही कारण है कि सनी देओल की बात की जाए तो कहा जाता है कि सनी देओल ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ तो हासिल की, इसके बावजूद अपनी पत्नी के साथ वो मीडिया के सामने भी कभी नज़र नहीं आते। वजह ये है कि सनी देओल अपनी पत्नी से अलग होने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे थे और यही कारण है कि सनी देओल जो है अपनी पत्नी के साथ मीडिया के सामने नहीं आते। यही कारण है कि सनी देओल की पत्नी मीडिया की लाइन लाइफ से दूर रहती है। यही कारण है कि वो अपने पति से तलाक तक लेंगी ये बात तक कह बैठी थी, जिसके बाद सनी अपना कदम पीछे कर बैठे ताकि उनकी पत्नी उन्हें ना छोड़े, क्योंकि रिश्ता इतना आगे बढ़ गया था। सनी देओल की पत्नी पूजा सनी को तलाक तक देने के लिए तैयार थी। हाँ, ये बात अलग है कि इसके बावजूद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये दोनों अलग रहकर भी एक दूसरे के साथ हैं। ये दोनों मिलते बहुत कम हैं, प्राइवेट रखते हैं अपने रिश्ते को। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से जगते की रिपोर्ट।